शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात या धनतेरस की रात या ये जो 5-6 दिन जो बहुत अच्छे वाले दिन होते हैं उसमें आपको कौन सा पाठ करना चाहिए, किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और कुछ और भी बताएंगे। और आप कोई भी स्पीचर पढ़ जो आपको दीपावली या धनतेरस पे लगता हो, वो चीज़ें आपको shivago.com या omja.com पे मिल जाएगा, बिल्कुल जेन्यून और ऑथेंटिक। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हम सबको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप श्री सुक्त या कनकधारा सूत्र का पाठ करें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी तो आप सिंपल सा मंत्र माता लक्ष्मी का पढ़िए। ओम शिम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। ये भी आपको लगता है कि हो सकता है गलत प्रोनाउंस हो जाए तो कमलगट्टे की माला पे आप श्रीम बीज मंत्र पढ़ें माता लक्ष्मी का। श्रीम कौन सा मंत्र? श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो भगवान विष्णु का मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंपल मंत्र है, सब कोई पढ़ सकते हैं। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये सारे किए जा सकते हैं दीपावली की रात। और उसी दिन जब आप घर का पूजा वगैरह हो जाए या दिन में भी आप किसी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। सिर्फ ध्यान रखना है कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। और अपने घर के आसपास या मंदिर के आसपास सिर्फ एक तेल का दीपक जला दीजिएगा। लोग सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं, आप चाहें तो तिल का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। ये दीपावली की रात ही करना आपको। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दीपक लगा के आप चुपचाप निकल जाए और पीछे पलट के आपको नहीं देखना है। बस जो दीपक आपने जलाया है उस तरफ आपको पलटना नहीं है। और उस रात अगर संभव हो सके तो अपने घर के जो दरवाजे हैं वो आप खुला रहने दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती और अपने भक्तों के घर जाती है। भक्त तो उनके सारे ही हैं तो सबके घर पे जाती हैं, देखती हैं भाई सुख शांति बनी हुई है कि नहीं। तो हो सके तो दरवाज़ा खोल के रखिएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।